हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। और आप मेरे बाल आज देख सकते हैं कि कितना स्टिकी है। आई डिड नॉट वॉश इट कम्प्लीटली, क्योंकि दैट इज द रीजन आज का टॉपिक है बालों का झड़ना। सो टुडेज टॉपिक इज गाइज हेयर फॉल। क्यों हमें हेयर फॉल होता है, क्या रीजन हो सकता है। इट इज वेरी इरिटेटिंग। ये कॉमन है मैन और वुमेन में। ये बहुत ही इरिटेटिंग सा चीज है। जब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, ये सबको बहुत तंग करता है। बहुत ज्यादा मात्रा में जब झड़ने लगते हैं बाल, तभी हम इसको नोटिस करते हैं एंड वी ट्राई टू फिक्स इट इमिडिएटली। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, कुछ लोगों में स्लोली प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब हम इसको नजरअंदेखा कर देते हैं। थोड़े थोड़े बाल जा रहे हैं, दो एक या दो स्ट्रैंड गिर रहे हैं, बाद में 10 स्ट्रैंड गिरेंगे। ये हम बड़ी मात्रा में जब देखते हैं, तभी हम लोग स्टैंड लेते हैं, हाँ वी हैव टू सी द डॉक्टर नाउ, नहीं तो हम टकले हो जाएंगे। कोई भी हो सकता है, मैन विमेन बच्चे बुजुर्ग किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज का फूड ही ऐसा है, आजकल का फूड लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स आर ऑल्सो अफेक्टिंग अ बॉडी एंड हेयर। तो इसीलिए आज का टॉपिक है हेयर फॉल। वी विल अंडरस्टैंड, वी विल नो किस लिए हेयर फॉल होता है, क्या मेजर कॉजेस हो सकते हैं और क्या माइनर कॉजेस हो सकते हैं, जो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो उसके वजह से हेयर फॉल हो रहा है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो टू बिगिन विद, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर मैन एंड वुमेन। तो पहला रीजन ये हो सकता है जेनेटिक्स। तो अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि क्यों मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बुजुर्ग मतलब मेरे पेरेंट्स को ये हेयर फॉल हेयर लॉस था क्या, अगर नहीं है तो ग्रैंड पेरेंट्स को था क्या। ये जेनेटिकल भी हो सकता है, उनके वजह से भी, ये मतलब जींस पास होते हैं जैसे, वैसे हमारा रीजन हो सकता है वन ऑफ द रीजन की बाल झड़ने में। दूसरा कॉज ये भी हो सकता है हॉर्मोनल चेंजेस। सो पर्टिकुलरली इन वुमेन, अगर औरतों को देखा जाए तो जब ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं या तो फिर डिलीवरी होने के बाद का टाइम होता है, या तो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, या अगर कोई अगर और मेडिकेशन वो ले रहे वो पीरियड में, उसके वजह से हो सकता है। सो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस मेजर रीजन वुमेन में, स्पेशली वुमेन की बात करें सेकेंड पॉइंट में, तो उनमें स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के प्रोसेस में उनको बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतने रैपिडली होते रहते हैं। तो उस वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ हेयर फॉल। सो तीसरा रीजन ये है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर आपका डाइट में इनफ न्यूट्रिशंस नहीं है, विटामिंस नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो यू टेंड टू, तो पहले तो बॉडी अपना रिएक्ट करने लग जाता है। यू फॉल सिक ऑफ्टन, आपका स्किन डिफरेंट लगने लगता है, आपका बाल डिफरेंट लगने लगता है, आपका बाल झड़ना लगता है। तो तब आपको पता चलना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग विद माई बॉडी। सो दोस्तों, चौथा रीजन ये हो सकता है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी को भी आ सकता है। आजकल के बच्चों को स्ट्रेस आता है, जो मेजरली अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं, ब्रेडविनर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं काम में, या लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दोज पीपल आर टेंड टू गेट दिस। स्ट्रेस के वजह से बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा, पहले तो एक या दो स्ट्रैंड्स गिरते रहेंगे, लेकिन स्ट्रेस अगर हिट करता है कोई भी पर्सन को, इट कुड बी मैन और वुमेन एनीबॉडी, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। एंड स्ट्रेस कैन इंक्रीज द हार्मोनल ग्रोथ। तो स्ट्रेस, जब स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, एंड यू गेट लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड उसका रिजल्ट इट एंड्स विथ हेयर लॉस। तो तभी आपको पता चल जाना चाहिए समथिंग इज रॉन्ग इन माई बॉडी, आई नीड टू मेडिटेट एंड आई नीड टू काम माई बॉडी माइंड एवरीथिंग। तो तब आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो आपके बॉडी में गड़बड़ है। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर हेयर फॉल। द रीजन दोस्तों, ये बहुत ही मेजर रीजन है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन बोल सकते हैं, या मेडिकल कंडीशन बोल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। जिनको भी ये है, आई रियली रियली फील फॉर देम, क्योंकि कितना प्रॉब्लम होता है, कितना वो गुजरते हैं, इसमें वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो यू मस्ट बी नोइंग इट, एलोपेशिया करके है। अगर जिनको भी ये होता है, तो दे टेंड टू लूज लॉट ऑफ हेयर, एंड इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन। इट इज़ लॉट ऑफ पेनफुल थिंग, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बहुत ही पेनफुल वे में ये गुजरते हैं, एंड दे हैव टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर्स। तो ये चीज़ होता है मेडिकल कंडीशन। एंड सेकेंड वन इज सोरियासिस। ये स्कैल्प का भी सोरियासिस होता है, सो पी इज साइलेंट। तो ये चीज़ अगर आपको गूगल करना है, आप कर सकते हैं। सो इसमें भी, जो बॉडी में स्किन पे भी सोरियासिस होता है, जैसे ही स्कैल्प में लाइक ड्राइनेस के वजह से, बहुत ही ड्राई होता है, बहुत ही सेंसिटिव स्कैल्प होता है उनका, फ्लेकी होता है, इट लुक्स लाइक डैंड्रफ बट इट इज
सोरियासिस, तो बहुत ही पेनफुल होता है, इची फीलिंग होता है, ये सारी चीज़ें होते स्कैल्प सोरियासिस होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेडिकल कंडीशन। और इससे अलावा भी फंगल कुछ रिएक्शन होने की वजह से उससे भी बाल झड़ने लगते हैं, उनका कभी भी मजाक मत उड़ाइएगा। सो ट्राई टू हेल्प देम, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या है ये। सो सातवा, मेडिकेशंस। अगर कोई मेडिकेशंस ले रहा है ड्यू टू कैंसर रिलेटेड या तो कुछ और ही हेल्थ कंसर्न के लिए, तो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी मेडिकेशन डॉक्टर सजेस्टेड अगर हेल्थ इश्यू है, तो तब वो मेडिकेशंस के वजह से भी उसका साइड इफेक्ट्स होता है। इफ़ यू वांट टू ट्रीट दिस, यू विल हैव टू गो थ्रू दिस। सो ऐसे जब चीज़ें होती है, दैट टाइम यू टेंड टू लूज योर हेयर। दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीजन वाई पीपल लूज देयर हेयर, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाल गिरते हैं वो टाइम पे। ये सात रीजन्स हो गए। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव नेवर डैमेज्ड योर हेयर, यू नेवर हैड एनी एंसेस्ट्रल जेनेटिकल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके बॉडी में, बट स्टिल जस्ट गेट योर थायराइड चेकअप। आपका थायराइड चेकअप करके ले लेना। अगर कुछ भी है, कुछ भी नहीं है कोई भी रीज़न, तो ये ज़रूर हो सकता है। अगर ये भी नहीं है, देन यू हैव टू कोई भी जाके रैंडमली टेस्ट करा सकता है थायराइड टेस्ट, क्योंकि कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट हो या हेयर ट्रीट करने वाला कोई भी डॉक्टर हो, हेयर एंड स्किन वाले डॉक्टर हो, पहली बार तो सजेस्ट करते हैं आपको बीपी है क्या, शुगर है क्या, या तो आपको थायराइड है क्या, आपके पीरियड्स साइकिल आपका ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, यही चीज़ें पूछते हैं। एंड इन चारों में मेनली जो हाइएस्ट रीज़न क्या होता है पता है, फर्स्ट इज शुगर। जो भी शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्वीट्स खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, दैट अफेक्ट्स योर बॉडी एंड इट इज़ वेरी कैंसरस। सो आई हैव क्विट शुगर, सो यू डू टू। तो बहुत ही कम मात्रा में शुगर यूज़ करिएगा। नेचुरल अगर गुड़ ऐसी चीज़ें अगर यूज़ करना चाहते हो तो करिएगा। शुगर को कम्प्लीटली कट डाउन कर दीजिए, बच्चों को तो बिल्कुल मत दीजिएगा। सो यूज़ लिक्विड जैगरी या तो फिर गुड़ यूज़ करिएगा, उसको पाउडर बना के उसको डाल के कॉफ़ी बनाइएगा। सो डू समथिंग हेल्दी बट कट डाउन द शुगर। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर कैंसर एंड ऑल्सो हेयर फॉल इज शुगर। सेकेंड वन है मेजरली जो इंसान को थायराइड होता है, उनका भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उनको भी हेयर फॉल प्रॉब्लम आता है। अगर ये भी नहीं है तो देन इट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर, यू आर गोइंग इन लॉट ऑफ पोल्यूशन एरिया, बहुत ही ज़्यादा डस्ट, ये सारे चीज़ें आपके बाल और आपके स्किन डील कर रहा है। तो यू हैव टू गेट इट फिक्स्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, टाइट विद समथिंग, पुट ऑन समथिंग ऑन योर हेयर, तो प्रोटेक्ट योर हेयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेयर। डीपली कंडीशन करना, नरिश करना और अच्छे राइट प्रोडक्ट्स यूज करना। सिर्फ तेल लगाया हो गया मेरा काम, ये मत करिए। छोटे बच्चों से हम जब 20 इयर्स तक होते हैं, तब नॉर्मल हम लोग पैराशूट तेल लगा के नॉर्मली हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारा एटमोसफियर भी बदलेगा, जैसे जैसे हमको उतना अच्छा प्रोडक्ट्स भी यूज़ करना चाहिए। हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत हमें अफेक्ट कर रहा है बालों को और स्किन को, ऐसे ही हमें भी अच्छे प्रोडक्ट्स को हमें अप्लाई करना है, मसाज करना है या तो स्किन का टेक केयर करना है। अगर आपको अच्छा दिखना है नेचुरल तरीके से, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आर्टिफिशियल तरीके से ही लाइफ बितानी पड़ जाएगी। एवरीबडी लाइक्स मेकअप, एवरीबडी लाइक्स हेयर स्टाइल, तो इसीलिए आपको थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। अगर बाल है तो बाल का हेयर स्टाइल कर सकते हो, अगर स्किन थोड़ा अच्छा है तो उसको और अच्छा कर सकते हो। सो दैट इज़ द मेन रीज़न यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्किन एंड हेयर। तो उसमें भी मैं जो यूज़ करती हूँ, ये एंत्री का वेटिवेयर इन्फ्यूज्ड आलमंड इन्फ्यूज्ड हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। एंड टुडेज हेयर एज आई टोल्ड यू, इट इज़ लिल स्टिकी, आप देख सकते हैं स्टिकी है मेरे, जनरली बाल डेड स्ट्रेट है और ये नॉन स्टिकी मैं रखती हूँ। लेकिन आज मैंने नॉट ओनली आज, कभी कभी हफ्ते में एक बार मैं तेल जब लगाती हूँ उसको कम्प्लीटली वॉश नहीं करती हूँ, आई डोंट लाइक टू वॉश इट। जिस दिन मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, आई मेक श्योर कि आज मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। अगर जा भी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ सकता है, जस्ट मेक श्योर कि इवेंट नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, बिग डे नहीं है। अगर आप ऐसे ही जा रहे हो तो चलेगा,
लेकिन अगर आप घर पे है तो मेक श्योर इतना वॉश करके उसका ऑयल निकाल देने की जरूरत नहीं है, कीप सम ऑयल इन इट। जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्टिकी है, यू कैन सी लम्प्स लम्प ऑफ है, तो इसीलिए ग्रुप में आप देख रहे हो ना ऐसे, तो ऐसे आप थोड़ा सा शैम्पू लगा के उसको वॉश करिएगा। डू नॉट वॉश कम्प्लीटली उसको, ड्राई करके उसको, मतलब फैदर ही मत बनाना। सो कभी कभी उसमें एटलीस्ट एक हफ्ते में दो बार अगर ऑयल लगा रहे हैं, तो एक बार जब लगाते हैं टुवर्ड्स वीकेंड, जब आप बाहर नहीं जाने वाले हैं या घर पे रहने वाले हैं, प्लीज लीव योर हेयर लाइक दैट, आधा वॉश करना उसको, पूरा तरीके से ऑयल मत निकालिएगा, कीप इट ऑन योर हेयर एंड देन सी द डिफरेंस। आपका हेयर थोड़ा सा हेल्दी नरिश्ड, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ कम्प्लीटली वॉश मत करना उसको, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिएगा। ये ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ये है वेटिवेर ऑयल इन्फ्यूज़ किया हुआ, आलमंड ऑयल इन्फ्यूज़ किया हुआ और ब्राह्मी ऑयल इन्फ्यूज़ किया हुआ। इसके साथ साथ और हेयर और स्कैल्प और इसके एसेंशियल ऑयल्स है इसमें, जो स्कैल्प को और हेयर को प्रोटेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें इसमें इन्फ्यूज। यही चीज़ मैं लगाती हूँ इसमें, आप वेटिवेर का रूट्स भी देख सकते हैं। सो नॉट ओनली दिस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्फ्यूज्ड इन इट, तो यही चीज़ मैं लगाती हूँ क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी ग्रे हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर अंदर ग्रे हो चुके, लेकिन अभी वो स्टॉप हो गया है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग फर्दर। तो तब जब मैंने ख्याल नहीं रखा तब का वो प्रॉब्लम है, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है एटलीस्ट माई रूट्स एंड हेयर एंड स्कैल्प इज इन वेरी वेरी गुड कंडीशन। आई नेवर हैड मेजर प्रॉब्लम्स, बट आफ्टर द बेबी, आफ्टर द सेकेंड बेबी आई हैड लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ स्किन एंड हेयर, आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन आई हैव गॉन थ्रू सो मच, बट यू कैन फिक्स इट बिकॉज आई एम हेयर टू हेल्प यू। सो दिस ऑयल इफ यू वॉन्ट टू परचेज, इट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन इट, आप इसको देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं। सो लेकिन इसके अलावा भी कस्टमाइज करके आप अपने बालों के लिए ये तेल ले सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज हेयरलेट। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट लिंक परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ जाके आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यू कैन सी एंड यू कैन परचेज इट इफ यू लाइक। इफ यू डोंट लाइक यू कैन डू योर ओन ऑयल एंड डेफिनेटली उसको ठीक से अप्लाई करके, ठीक से कंडीशन करके और ये टेक्निक यूज करिएगा वीकली वंस, आप थोड़ा सा ऑयल उसमें रहने दीजिए। आई होप आप सब लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और मेरे सारे वीडियोज को आपको देखना है। इफ आई होप इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी आउट देयर, नॉट जस्ट वुमेन, सबको अच्छा लगेगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आने वाली हूँ। अगर आपको कोई और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, डिमांडेड वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आऊंगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।